हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम एंड्रॉइड मोबाइल की मदद से अपने कंप्यूटर के कर्सर को कंट्रोल करेंगे। तो इसके लिए मैं एक फ्री एप्लीकेशन का यूज करूंगा जो कि वाईफाई माउस है। मैं इस वाईफाई माउस को इसलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि इसके लिए मुझे एक अलग से कोई भी वाईफाई राउटर की जरूरत नहीं है, यानी कि अपने एंड्रॉइड के वाईफाई हॉटस्पॉट को एक्टिवेट करता हूँ और उससे मैं अपने लैपटॉप को कनेक्ट करता हूँ तो भी ये एप्लीकेशन काम करेगी। तो इस एप्लीकेशन का यूज करने के लिए हमारे डेस्कटॉप पे एक एप्लीकेशन होनी चाहिए जो कि एक वाईफाई माउस सर्वर के नाम से होगी। आप गूगल में जाके टाइप कर सकते हैं वाईफाई माउस सर्वर और पहले लिंक में जाके इसके सर्वर को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद हम इसे इंस्टॉल करेंगे। इसे हम इंस्टॉल करेंगे माउस सर्वर डेस्कटॉप। हमारा माउस सर्वर इंस्टॉल हो चुका है और ये रन कर रहा है। अब मैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल पे वाईफाई माउस एप्लीकेशन को चला रहा हूँ और मैं ऑटो कनेक्ट कर रहा हूँ। ऑटो कनेक्ट सक्सेसफुल हुआ। अब आप देख सकते हैं कि मैं अपने कर्सर को कंट्रोल कर सकता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज रेट एंड सब्सक्राइब।